किसी भी त्यौहार में हमें मिठाइयाँ तो चाहिए ही होती है और काजू कतली तो सभी की फेवरेट होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कला और आज मैं बनाने जा रही हूँ काजू कतली, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप काजू, 1 कप चीनी, 2 चम्मच घी, 1/2 कप पानी। इसी कप से मैंने 2 कप काजू, 1 कप चीनी लिया है, काजू का बिल्कुल आधा चीनी। यहाँ पे मैंने जो काजू लिया है वो 2 टुकड़े वाले काजू लिए हैं। आप चाहे तो 2 टुकड़े वाले या 4 टुकड़े वाले या फ्रेश काजू, किसी भी तरह के काजू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे काजू के जो छिलके होते हैं उसे मैं साफ़ कर ले रही हूँ। इस काजू के छिलके को अच्छी तरह से निकाल लें। अब मैं इसका एक पाउडर तैयार कर लूँगी। इस काजू को मैंने 2 घंटे तक के लिए फ्रीजर में रखा था, जिससे हमें पीसने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 मिक्सर जार। अब मैं इसमें डालूँगी 2 कप काजू। मैं यहाँ पे कप से ले रही हूँ ताकि आप देख सकें, क्योंकि इसमें क्वांटिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है, तभी आपकी काजू कतली परफेक्ट बनेगी। अब हम इसका एक बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जार का ढक्कन बंद कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है। ये देखिए हमारा पाउडर बनके बिल्कुल रेडी है। हमने इसे लगातार नहीं चलाया था पाउडर बनाने में, इसे हल्का रोक रोक के चलाया था, नहीं तो आपके जो काजू तेल छोड़ देंगे। हमें इस तरह का पाउडर चाहिए, हमें इसे छाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे सीधा यूज़ करेंगे। हम इस पाउडर को एक बॉल में निकाल लेंगे। काजू कतली बनाने के लिए अब हम इसे काजू का एक डो तैयार करना होगा। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी, 4 चम्मच नहीं बनानी है। चीनी को तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह पानी में घुल ना जाए। अब आप देख सकते हैं चीनी पानी में घुल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी काजू का पाउडर। इस पाउडर को मैं इसमें डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिला लें। यहाँ पे आपको काजू का पाउडर दरदरा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये स्मूथ होता चला जाएगा। इसे लगातार चला लें। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक ना पहुँच जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच घी। इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। इसे लगातार चलाते रहें। हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो काजू का पेस्ट है हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे एक थाली ले रहे हैं, इसमें हम अच्छी तरह से घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। इसी थाली में मैं काजू का जो ये पेस्ट है उसे निकालूंगी। इसे अलग रख दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काजू का जो पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया है, पकना शुरू हो गया है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। ये तो जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुँच गई। अब हम इसे एक चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इसे 1 चम्मच से निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसे हम अलग रख देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। इसे ओवर कुक ना करें, जब ओवर कुक हो जाएगा तो आप ये सेट करने में काजू कतली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ये काजू का डो है हल्का इसकी लोई बनने लगी है, बॉल बनने लगे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, अब गैस को कर देंगे ऑफ। ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुँच गई है। अब मैं इस काजू के पेस्ट को
उस थाली में निकाल लूँगी जिसे मैंने पहले से ग्रीस करके रखा था। सारे पेस्ट को मैं इसमें निकाल लूँगी। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। इसे ऊपर नीचे ऐसे करते रहें ताकि इस पे पपड़ी ना जमे। पे आप देख सकते हैं ये हल्का ठंडा हो गया है जिससे हम हाथों से टच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक प्लास्टिक। आपके पास ये प्लास्टिक इजीली मिल जाएगी। साड़ी वगैरह के साथ तो सभी के घर में आती है प्लास्टिक। अगर आपके पास इस तरह की बटर पेपर है तो ये बटर पेपर भी ले सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर छोटी सी थी, वो मैं नहीं ले रही हूँ, इसी वजह से मैं प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ। प्लास्टिक पे हम अच्छी तरह से घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। थोड़ी सी घी मैं हाथों में भी लगा ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे काजू के सारे पेस्ट को इस पे डाल दूंगी। अब हम इस पेस्ट का इस प्लास्टिक की मदद से हम एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे इस तरह से ऊपर नीचे करके। ऐसे दबा दबा के हम एक स्मूथ डो बना लेंगे। ये देखिए कितना शाइनिंग लग रहा है देखने में। इस तरह से हम एक लोई बना लेंगे। ये देखिए। अब हम लेंगे यहाँ पे एक और प्लास्टिक सीट। अब हम इसके ऊपर रख देंगे। एक बेलन की मदद से, बेलन में भी हम तेल लगा लेंगे। अब हल्के हाथों से इसे हम बेलना शुरू करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। इसे दोनों तरफ घुमा के बेलें, इसे हम स्क्वायर शेप देंगे। देख सकते हैं हमारे बेलिए, हमने यहाँ पे लिया है एक स्क्रैपर। स्क्रैपर की मदद से हमें एक स्क्वायर शेप दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रैपर, स्पैचुला या स्पून से इसे स्क्वायर शेप दे सकते हैं इस तरह से। तो हमारी काजू केतली को काटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसीलिए हम यहाँ पे इसे स्क्वायर में कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम इस पे फिर से लगा लेंगे ये प्लास्टिक। फिर से हम इसे बेलना शुरू करेंगे। हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से मोटा या पतला बेल सकते हैं। मैंने इसे बेल लिया है, ये देखिए। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी, जो कि अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी काजू कतली सेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे इस पे लगा दूंगी सिल्वर वर्क, यानी कि चांदी का वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ कि ये बिल्कुल मार्केट जैसी काजू कतली लगे देखने में। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से हम लगा लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। हमने इस पे लगा लिया है सारा चांदी का वर्क। अब हम इसे काटने के प्रोसेस में चलते हैं एक नाइफ की मदद से। सबसे पहले हम इस काजू कतली का दोनों तरफ का हिस्सा कट कर देंगे, जिससे कि हमें इसे शेप देने में आसानी हो। ये देखिए, पहले मैं इसे सीधा सीधा काट लूँगी इस तरह से। नाइफ की मदद से आप इसे पहले सीधा सीधा काट लें। काजू केतली तो डायमंड शेप में होती है, तो इसे हमें डायमंड शेप देना है। अब हम इसे इस तरह से तिरछी नाइफ करके काटेंगे, तभी हमारा डायमंड शेप हो पाएगा। इस तरह से हमें काटना है। ये देखिए, हमने सारों के काजू केतली को कट कर लिया है। मैं यहाँ पे एक काजू केतली आपको दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर कैसा आया है, इसकी शाइनिंग कैसी है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी।
मार्केट से भी अच्छी, ये घर की बनी है बिल्कुल प्योर। ये देखिए काजू कितली कितनी अच्छी बनी है। ये काजू कितली बनाना कितना आसान है। आपको लग रहा है कि मैंने ये काजू कितली घर में बनाया है, कितनी परफेक्ट बनी है। इस काजू कितली को आप ज़रूर बनाएं। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। इस काजू केतली को आप जरूर ट्राई करें। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, कितनी आसान विधि मैंने बताई है आपको केतली बनाने का। इस काजू केतली को आप जरूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।